हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको मेरे वीडियो देखने मिलेंगे सबसे पहले, वो भी फ्री में। ये वीडियो कॉमेक्स, एमसीएक्स और निफ्टी के बारे में है। एमसीएक्स और निफ्टी के लेवल्स मैंने वीडियो के लास्ट में दिए हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, गोल्ड कल से थोड़ा सा नीचे आ गया, इनफैक्ट काफी नीचे आ गया। कल हमने वीडियो बनाया था 1403 के आसपास, अभी 1396 चल रहा है, 1391 के आसपास का इसने लो बनाया। कल हमारा सेलिंग था 1399 के आसपास, 1399 वी हैड अ सेल, वी बुक प्रॉफिट अराउंड 1392, 1392 वॉज अवर टारगेट। 1399 का हमारा कल का सेल सिग्नल था और 1392 पे हमने बुक कर लिया प्रॉफिट। अभी फिलहाल 1396 के आसपास चल रहा है। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूं। आज का गोल्ड का सपोर्ट रहेगा $1388 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा $1408 का। ध्यान रखिएगा, अगर 1388 से नीचे निकला मार्केट एक बार तो 1380 और 1370 वापस से जा सकता है। 1408 से ऊपर निकला तो 1417 और 1425 जा सकता है। आज फेड चेयरमैन की एक टेस्टिफाइड स्पीच है, चाहो तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, 6:15 बजे के आसपास स्पीच है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना, और कोई भी पोजीशन ले रहे हो बाइंग में या सेलिंग में किसी भी तरीके की, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्ट डालें। चलिए सिल्वर को देखते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में अभी भी इतनी वीकनेस नहीं आई है, देखे जैसे कि देख सकते हो अभी भी $15.05 के आसपास चल रहा है। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता देता हूं। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 1478 का, रेजिस्टेंस है 1525 का। 1478 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया तो 1450 और 1420 भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा 1478 एक काफी मेजर सपोर्ट है मार्केट में। 1525 से ऊपर निकला तो मार्केट 1550 और 55 एक बार वापस से टेस्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा 1555 हम काफी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर स्पीच के बाद 1555 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो एक अच्छा बहुत बल्क बाइंग आ सकता है सिल्वर में। तो ध्यान रखिएगा 1555 अगर क्रॉस करता है तो कोई भी सेलिंग होल्ड ना करें, खतरनाक हो सकता है। चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। कल एक स्पाइक आया था क्रूड ऑयल में लेकिन सस्टेन नहीं किया उसने ऊपर, $58 के ऊपर सस्टेन नहीं किया और वापस से क्रैश हो गया। अभी 57.50 के आसपास चल रहा है। आज का सपोर्ट 56.50 का है, रेजिस्टेंस है 58.20 का। इसका ट्रेंड थोड़ा वीक ही है तो ध्यान रखिएगा इसमें बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल के करें। कॉपर, MCX कॉपर का सपोर्ट है आज का ₹433, रेजिस्टेंस है ₹439.20। क्रूड ऑयल MCX में चल रहा है ₹3954। MCX क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है ₹3892, आज का रेजिस्टेंस है ₹4012। MCX गोल्ड चल रहा है आज ₹34605। MCX गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज ₹34460। रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है ₹34930 का। MCX सिल्वर का सपोर्ट है आज का, थोड़ा डीप सपोर्ट है आज सिल्वर का, ₹37450, रेजिस्टेंस है ₹38660। MCX और ये कॉमेक्स के लेवल्स हो गए। निफ्टी का सपोर्ट आज का है ₹11370, रेजिस्टेंस है 11560। अगर आपको याद होगा तो मैं 11880 से आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में कोई तेजी नहीं करनी है, हमें सेलिंग ही करनी है। आज भी मैं वही कहूंगा, 560 के आसपास 10 या 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हो। मतलब अगर 530 के आसपास जाए तो 565 और 72 के आसपास स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो।
ध्यान रखिएगा, ये निफ्टी में स्पॉट के लेवल्स हैं, कॉमेक्स के गोल्ड सिल्वर के भी स्पॉट के लेवल्स थे। तो अगर हाँ 560-570 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया निफ्टी में, तो ज़रूर हम सेलिंग एग्जिट करेंगे, लेकिन बाइंग नहीं करेंगे। ये हो गया आज का सारा एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर अप्लाई करूंगा। चलिए कल वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।